पता चला कि मेरे नाम पे और मेरी जमींदारा के नाम पे 15-15 लाख रुपया निकाला गया TDC बैंक से। और निकालने वालों में नाम था अकीला मोहम्मद हसन मोमिन और उमा नासिककर, और हमारा डॉक्यूमेंट एक भी वहाँ मौजूद नहीं है। हम लोगों के ऊपर सरासर ये झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं थाने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक, ये वही बैंक है। यहाँ पर एक बताया जा रहा है एक नागरिक के साथ डॉक्यूमेंट की हेरफार हुई है। हेरफार बोले तो डॉक्यूमेंट किसी और का, लोन किसी और पे पास था। अकीला मोहम्मद हसन मोमिन और हुमा नासिककर, और मेरा लोन पास करवा के हुमा नासिककर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है। और हम लोग कोई लोन बैंक पहचानते नहीं है कि बैंक कहाँ है। हम लोगों के ऊपर सरासर ये झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, और हमारा डॉक्यूमेंट एक भी वहाँ मौजूद नहीं है। सब हेरा फेरी है पेपर के अंदर, और ना हम स्कूल टीचर है। जो डॉक्यूमेंट पे यानी लोन पास हुआ है जी, वो डॉक्यूमेंट आपका है? डॉक्यूमेंट खाली जेरोक्स कॉपी, पैन कार्ड आधार कार्ड मेरा है, बाकी फोटो दूसरे की लगी है, और जन्म तारीख चेंज हुआ है, एड्रेस चेंज हुआ है, सब चेंज हुआ है, साइन चेंज हुई है, वहाँ पे जो साइन है सब दूसरी है, मेरी एक भी नहीं है। तो ये बड़ा आरोप लगा रहे हो? हाँ, बड़ा आरोप लगा रहे हो कि आपकी वो आईडी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरे आईडी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, सिग्नेचर भी मेरी खोटी डाली गई है। आप बता रहे 30 लाख का लोन, कितना? 15 लाख मेरे नाम पे, 15 लाख मेरी जो जमींदार थी उसके नाम पे, 30 लाख का फ्रॉड किया उसके साथ में इन्होंने। अच्छा, तो बैंक वालों ने क्या कहा इसमें? बैंक वालों ने ये कहा कि कार्रवाई होगी, कोर्ट में केस चलेगा, वो भरने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। और उस टाइम जिस वक्त ये पेपर पास हुआ था, उस वक्त वहाँ का मैनेजर था सुरेश तरे, जो अभी फिलहाल मुमरा में ट्रांसफर करके मुमरा में है। अच्छा, उसने ये अब ये आज मेरी मुलाकात हुई है उनसे, बैंक वाले बुलाए थे उसको भी, तो उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है कि भाई 2-3 दिन का और टाइम दो, तुम्हारा मामला क्लियर करके तुमको क्लीन चिट दे के NOC दे दिया जाएगा। अच्छा, ये हमारा मैटर। अभी आप यहाँ पे भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में खड़े हो? आप पुलिस स्टेशन इसके लिए आया हूँ कि उनको पुलिस चौकी में जमा करना था, मगर अब वो 2-3 दिन का टाइम मांग रहे हैं। अगर 2-3 दिन में वो मामला नहीं क्लियर होता है तो मजबूरन हमको पुलिस चौकी का दरवाजा पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने आश्वासन दिया कि 2-3 दिन में मामला तुमको NOC मिल जाएगी क्लीन चिट की। अच्छा, कि आप इसमें नहीं, हम इसको पैसा भर देंगे। और इनकेस 2-3 दिन में नहीं होता है तो? नहीं हुआ तो फिर हमको लामाला पुलिस में कार्रवाई करना पड़ेगी। ठीक है, बैंक के खिलाफ और जो भी उसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ करना पड़ेगा, जिन्होंने मेरे नाम पे पैसा ट्रांसफर करवाया उनके खिलाफ, सबके खिलाफ मुझे करना पड़ेगा। जैसे मैंने वहाँ पे देखा कि उसमें आपको ये भी बताया जा रहा था कि आप टीचर हो? हाँ, मैं स्कूल टीचर नहीं हूँ। अच्छा, नहीं हूँ मैं, आज तक कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं की हूँ। लोन जो बताया गया था उसमें मुझे टीचर बताया गया, प्रिंसिपल। अच्छा, के प्रिंसिपल है? ठीक ठीक, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल है। ठीक ठीक, ये बताया गया मुझे उसमें। ठीक ठीक, ये इस चीज़ की खबर, जिसके नाम पर लोन पास हुआ है उसको पता ही नहीं थी। ये बैंक जो आती है मंडई पर, आप देख सकते हैं मेरे सीधे हाथ पर इस बिल्डिंग पे पहले माले पर ये बैंक है। यहाँ पर एक उस शख्स का कहना है, वहाब नाम का वो शख्स है, उसका कहना है कि उसके साथ फ्रॉड किया गया, उसके उसको मालूम ही नहीं था कि उसके नाम पर 30 लाख रुपए का लोन कराया गया है। मगर वो शख्स को जब नोटिस आती है कि उसके ऊपर से 30 लाख रुपये का लोन है, मगर वो उस वक्त वो शख्स शौक हो जाता है कि मैंने तो इस चीज़ का कुछ किया नहीं, तो मुझे ये कहाँ से मिल गया। ये मामला पूरा इस ब्रांच के अंदर अभी चला, ब्रांच में से जो जिस शख्स ने ये लोन पास किया था उस शख्स को यहाँ पर उन्होंने लेके कुंवारवाड़ा पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन पे जाने से पहले उस शख्स ने बताया कि मुझे 3 दिन की मोहलत दीजिए, 3 दिन में मैं आपका मैटर शॉर्ट आउट कर चुका हूँ, जो कि ये मैटर ऑलरेडी 8 महीने से चल रहा था। तो वहाँ पर पुलिस चौकी जाने से पहले उस शख्स ने बताया कि मुझे 3 दिन का वक्त दीजिए, 3 दिन में मैं आपका मैटर क्लियर करके देता हूँ। ये आश्वासन के बिना पर ये वो मैटर उसी वक्त ख़त्म हो चुका, और मीडिया को बुलाकर ये सब पूरी कहानी बताई गई। और आगे देखते हैं 3 दिन में इनका मैटर सॉल्व होता है कि नहीं।